सरकार उनको बहुत अच्छा रेट दे रहा है, लेकिन जब ग्रोवर को पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे तो फिर वो रेट का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो बर्फ़ गिर गई है 6 और 7 तारीख के दरमियान, ये टाइम बर्फ़ गिरने का कश्मीर के अंदर नहीं है। अभी बहुत सारा फ्रूट जो शोपियान के अंदर हार्वेस्ट नहीं हुआ था, एक तो वो डैमेज हो गया है, दूसरा जो यहाँ के प्लांट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। लग रहा है कि कम से कम जो यहाँ का नुकसान हुआ है प्लांट्स को, वो 70 से 80% हमारे बगीचों के अंदर नुकसान है। वो बैडली इफेक्ट हुए हैं, उनके सारे ब्रांचेस टूट गए हैं या वो जड़ से ही उखड़ गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी फ्रूट अभी हार्वेस्ट भी नहीं हुआ था, और जो हार्वेस्ट हुआ भी है वो भी अभी बर्फ़ के, आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ जो सफ़ेद चादर बिछी हुई हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी क्वालिटी है फ्रूट की जो हमने हार्वेस्ट भी किया है उसमें भी बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिस एजेंसी को उन्होंने या नेफेड को लाया है यहाँ पर कि ताकि वो ग्रोवर से सेब खरीदी, मसला उसमें ये हुआ है कि उसकी प्रोसेस इतनी लंबी हुई है कि ग्रोवर्स जो हैं उनके पास वो फ्रूट अपना नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि जब एक ग्रोवर जब वहाँ पर अपना फ्रूट लेते हैं 7 से 8 दिन या कभी 10 दिन तक उसको मंडी के अंदर इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके उसकी ग्रेडिंग, दूसरे फॉर्मेलिटीज़ जो उन्होंने रखे हैं वो पूरे होते हैं। उस वजह से ग्रोवर्स को जो उस बेनिफिट मिलना चाहिए उस स्कीम का नहीं मिल पाया है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना है, हमने पहले भी कई बार इस बारे में गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि ये जो प्रोसेस है उसका, उसको थोड़ा इजी बनाया जाए ताकि ग्रोवर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रूट नेफेड को बेच सके। मुझे लगता है जो ग्रोवर है, जो ज़मींदार है, उनको अपने जो इस साल का फसल था उसमें 50% लॉस हो गया, और जो व्यापारी है, जो खरीदने वाले है बेच ये सेब जो बाहर की मंडी में ले रहे हैं, उनको पर पेटी 200 से 300 रुपया नुकसान हो रहा है। मेरा एक दोस्त है, उसने माल लिया है, उनको दे दिया माल, जो उसने अक्टूबर में माल दे दिया, 1 अक्टूबर को जो माल दे दिया, अभी आज तक उसको पैसे नहीं मिले। एक बात तो ये है, दूसरी बात वो माल वहाँ पे सड़ रहा है मंडी में, उनके पास इंतज़ाम नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। जब बर्फ़ आ गया तो आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे देखिए मंडी में वहाँ पे क्या हो गया उस माल को, जहाँ पे निफड़ वालों ने ये माल जमा किया, गवर्नमेंट ने जो माल लिया है उस माल की हालत देखो वहाँ पे क्या है। सरकार उनको बहुत अच्छा रेट दे रहा है, रेट जो वो बोल रहे हैं रेट क्या है, रेट वो अच्छे दे रहे हैं, लेकिन जब ग्रोवर को पैसे टाइम पर नहीं मिल रहे तो फिर वो रेट का कोई मतलब ही नहीं है।